सो वेलकम टू एस पी एस स्टडी पॉइंट। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार एस पी एस स्टडी पॉइंट में। मैं सुनूँ आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि आज की इस क्लास में हम दोनों मोड में क्वेश्चन आंसर तैयार किए हैं। लैंग्वेज आपका जो होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, और आपका चाहे ऑब्जेक्टिव हो पेपर और चाहे रिटर्न पैटर्न हो, दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिसमें आज हम लगभग 30 MCQ प्रश्नों पर बात करेंगे, और लगभग मानकर चलिए कि 30 ही वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चनों का डिस्कशन इस क्लास में होगा। ये क्लास BSc फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है 2022 के लिए, जिसमें आज हमारा टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, जिस पर आज हम डिस्कस करेंगे न्यू सिलेबस के अनुसार 2022 के लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सभी लोग क्लास पर ध्यान दें। आप लोग चैट ना किया करें क्लास में, जब तक क्लास संचालित हो आप लोग क्लास पर पूरा फोकस करें, ठीक है। और क्लास के बाद आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की क्लास आप लोग को कैसी लगी, ठीक है मित्रों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। पहले चैप्टर पर हम बात कर रहे थे मॉलिकुलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस पर, ठीक है। पहला प्रश्न आपका है रिजोनेंस इज ड्यू टू, यानी अनुनाद का कारण क्या है। तो जब भी अनुनाद की बात की जाए, ठीक है, जब भी अनुनाद की बात की जाए तो आप लोग ध्यान रखेंगे अनुनाद का कारण क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्या है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। थोड़ा सा हम रिजोनेंस को भी समझ लेते हैं, यानी अनुनाद क्या है इसको भी हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों, आप सबकी रिक्वायरमेंट पर मैंने लिखित और ऑब्जेक्टिव बेस पर PPT देने का प्रयास किया है, और आप सबके ये वीडियो समझ में आएगी, ये क्लास समझ में आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग से निवेदन है कि रोज़ रात 8 बजे आपकी क्लास केमिस्ट्री की होगी, फंडामेंटल्स आप केमिस्ट्री रोज़ रात 8 बजे लाइव होगी, और आप सभी लोग लाइव आकर के डेली क्लास अटेंड किया करें, क्योंकि कुछ लोग हैं जो क्लास अटेंड करते हैं, बाकी सभी स्टूडेंट क्लास अटेंड नहीं करते हैं। तो मैं उन सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि अब आपकी क्लास रेगुलर चलेगी, थोड़ा सा हेल्थ इशू के कारण आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए हम रिजोनेंस को समझते हैं कि रिजोनेंस आखिर में होता क्या है, अनुनाद क्या है। देखिए अनुनाद क्या है, जब किसी मॉलिक्यूल के सभी प्रेक्षित गुणों की व्याख्या एक ही संयोजक बंध सूत्र से नहीं की जा सकती, तब मॉलिक्यूल के विभिन्न इलेक्ट्रॉन की संरचना उनके अधिकांश गुणों की व्याख्या की जाती है। मतलब ये है कि जब कोई एक मॉलिक्यूल हो और उसके गुणों की व्याख्या एक ही कोवेलेंट बॉन्ड के फार्मूले से नहीं किया जा सकता हो, तब किसी मॉलिक्यूल के विभिन्न इलेक्ट्रॉन की स्ट्रक्चर को अधिकांश उनके गुणों की व्याख्या के लिए हमें रिजोनेंस यानी अनुनाद का प्रयोग करना पड़ता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, इन्हीं संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, अनुनाद या कनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे समझते हैं कि आखिर में इनमें इंक्लूड और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इनमें से कोई भी एक संरचना उस यौगिक को पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर सकती है, यानी कि रिजोनेंस में कोई भी संरचना, कोई भी स्ट्रक्चर जो उसका यौगिक है, जो कंपाउंड है, उसको कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर सकती है। यौगिक की वास्तविक संरचना कई अनुनाद संरचनाओं से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम संकर अनुनाद कहते हैं। और ये संकर अनुनाद पर, यानी इसका जो प्रॉपर्टीज़ होगा, जो रिजोनेंस का प्रॉपर्टीज होगा, वो किस पर डिपेंड करेगा, वो रिजोनेंस हाइब्रिड पर डिपेंड करेगा। और इसी घटना को हम रिजोनेंस का नाम देते हैं, इसी घटना को क्या कहते हैं, रिजोनेंस कहते हैं, यानी अनुनाद कहते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए क्या आपके समझ में अनुनाद आ गया। ये अगर आपके प्रश्न में आएगा तो ये अगर आपका पेपर, जिनका भी पेपर लघु उत्तरीय, जिनका भी पेपर रिटर्न होगा, उनके अत लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय में रिजोनेंस पूछा जाता है, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्टिव होगा
तो आपका 3-4 प्रश्न यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसी में से इन्हीं व्याख्या में से आपको ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा। अगर आप ये PPT कंप्लीट करते हैं, अच्छे से आप प्रिपेयर करते हैं, तो आपका यहाँ से लगभग जितने भी रिजोनेंस से क्वेश्चन बनना चाहिए था वो यहीं से बन जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सभी लोग क्लास के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपकी क्लास अब टाइम पर होगी और अब रोज़ रात 8 बजे क्लास आपकी केमिस्ट्री की होगी, रोज़ रात 10 बजे आपकी फिजिक्स क्लास होगी। ठीक है, और आप लोग का अगर टाइमिंग में कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम प्रयास करेंगे थोड़ा सा क्लास पहले करने की। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, पूछा गया है द बॉन्ड ऑर्डर इन CO2 3 आयन बिटवीन HOs, यानी कि CO2-3 आयन में CO के बीच आबंध का क्रम बताना है, CO यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच आबंध का क्रम बताना है। ठीक है, चलिए जल्दी से इसका आंसर करने का प्रयास करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इसके जो आबंध का क्रम होगा यानी कार्बन और ऑक्सीजन में, तो इसको आप लर्न करना पड़ेगा, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। ये आबंध क्रम मैं आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, तो इसका आबंध क्रम जो हो जाएगा 1.33 हो जाएगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी से थोड़ा सा जब बॉन्ड ऑर्डर की बात हुई है तो बॉन्ड ऑर्डर आखिर में होता क्या है इसको हम समझ लेते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है, देखिए बॉन्ड ऑर्डर लिनियस पॉलिस द्वारा पेश किया गया था। लिनियस पॉलिस एक क्या थे, वैज्ञानिक थे, और इन्हीं के द्वारा बॉन्ड ऑर्डर पेश किया गया था, जिनको हम बॉन्ड और एंटी बॉन्ड की संख्या के बीच के अंतर में परिभाषित करते हैं। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग डिजिट के डिफरेंस के रूप में हम परिभाषित करते हैं। ठीक है, बॉन्ड संख्या या बॉन्ड ऑर्डर परमाणु की एक जोड़ी के बीच बॉन्ड संख्या ही परमाणु की एक जोड़ी के बीच इलेक्ट्रॉन जोड़ बॉन्ड की उदाहरण के लिए द्विपरमाणुक नाइट्रोजन की आवश्यकता में विस्थापित होते हैं, जहां पर दिया गया है N(NN) में। अब आपको बंध बताना है तो इनमें आपको पता है यह 3 बॉन्ड जुड़ा है, कितने बॉन्ड है इसमें, 3 बॉन्ड। तो इसमें क्या बताएंगे कि बॉन्ड संख्या इसमें क्या है, 3 है। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 3 बॉन्ड बन रहे हैं, तो इनमें बॉन्ड की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसी प्रकार एथीन की बात किया जाए तो एथीन में कितने बॉन्ड बनेंगे, एथीन में कितने बॉन्ड बनेंगे, आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 कार्बन से होती है, हाइड्रोजन की वैलेंसी हमेशा 4 कार्बन से होती है। ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी आप लोग समझिए। अब आपको बताना है कि एथीन में देखिए H सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H। अब देखिए 3 और 1 4 3 और 1 4 हाइड्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट है दोनों तरफ से। अब आपको बताना है कि कितने बॉन्ड संख्या होगी, तो इनमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच आबंध की संख्या कितनी है, 3 है। देखिए दो कार्बन है ना, इनके बीच की संख्या कितने है, 3 है। तो जब भी आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो, बॉन्ड क्रम बताना हो, तो आप बता देंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच क्रम पूछा गया था, अगर बॉन्ड पूछा जाता तो इसका बॉन्ड कितना होता, 1 आ जाता। ठीक है, 1.33 आया है, तो इनमें कुछ अपवाद भी हैं जो इस प्रकार से हैं। ठीक है, अब सी और एच में आबंध का क्रम कितना है, 1 है, अभी हमने बताया ना हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन में आबंध का क्रम कितना है, 1 है, क्योंकि यहाँ पर 1 बॉन्ड दिया गया है। मुझे लगता है कि आप बॉन्ड ऑर्डर से सर्टिफाइड हो गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, पूछा गया है द नंबर ऑफ पॉसिबल रिजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर CO2-3 इस, यानी कि CO3 के लिए संभावित अनुनाद संरचना की संख्या है। इनमें आपको बताना है कि रिजोनेंस स्ट्रक्चर पूछा गया है और इसमें बताना है कि CO2-3 में संभावित अनुनाद स्ट्रक्चर
की संख्या आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए आप लोग इसका निकाल के बताएंगे। CO2-3 में अनुनाद संरचना, अभी हमने थोड़ा सा अनुनाद के बारे में बताया था, किस प्रकार से अनुनाद को डिफाइन करना है आपको। 13 नंबर प्रश्न का आंसर करने का प्रयास करेंगे। चलिए 13 नंबर प्रश्न का इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जब भी पूछा जाए CO2-3 के लिए संभावित अनुनाद संरचना की संख्या, संभावित अनुनाद संरचना, तो CO2-3 दिया गया है, तो आप लोग हमेशा एक ट्रिक याद रखेंगे, जब भी CO2-3 दिया हो और उसमें पूछ लिया जाए कि इनमें अनुनाद स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, तो आप जो सफिक्स में लिखा हो यानी 3- वही उसका अनुनाद संरचना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि आखिर में रिजोनेंस स्ट्रक्चर क्या है। आप ऑब्जेक्टिव के साथ साथ ही अपना अतिलघुत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न को कंप्लीट कर लीजिए। इसी के आप सभी के एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये पहल जारी की है, और जल्द ही आपको 20 दिनों के अंदर आपकी पूरी फंडामेंटल्स ऑफ बेसिक केमिस्ट्री या फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री पूरा ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। अभी हमने इनऑर्गेनिक का टॉपिक उठाया है और जल्द ही ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फिजिकल भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए पुरानी वीडियो में हमने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का पोर्शन यानी MCQ कंप्लीट करा दिया था, फिजिकल केमिस्ट्री बची हुई था तो फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट करा देंगे। चलिए रिजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि रिजोनेंस स्ट्रक्चर आखिर में होते क्या हैं। तो रिजोनेंस स्ट्रक्चर आर ए सेट ऑफ टू लुईस स्ट्रक्चर, तो रिजोनेंस स्ट्रक्चर क्या है, दो लुईस स्ट्रक्चरों यानी दो लुईस संरचनाओं से मिलकर बना है। स्ट्रक्चर आर कोवेलेंटली डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉनिक बॉन्डिंग इन ए सिंगल पॉलीएटॉमिक स्पीसीज इंक्लूड द फ्रैक्शनल बॉन्डिंग एंड फ्रैक्शनल चार्ज, यानी कि ये फ्रैक्शनल बॉन्डिंग और फ्रैक्शनल चार्ज के द्वारा सिंगल पॉलीएटॉमिक स्पीसीज से जुड़े होते हैं। रिजोनेंस स्ट्रक्चर आर कैपेबल टू डिस्क्राइबिंग डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड बाई ए सिंगल लुईस फार्मूला विथ इंटीजर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि रिजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो कैपेबल डिक्रीजिंग डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी पाई इलेक्ट्रॉन पे, और वो क्या करते हैं, वो कैन नॉट एक्सप्रेस्ड ए सिंगल लुईस फार्मूला, वो कभी भी सिंगल लुईस फार्मूला के द्वारा एक्सप्रेस्ड नहीं किए जा सकते हैं विथ एन इंटीजर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, तो रिजोनेंस स्ट्रक्चर आपके समझ में आ गया होगा, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। चलिए हिंदी में थोड़ा सा समझा देते हैं आपको। अनुनाद संरचना दो या दो से अधिक लुईस संरचनाओं का एक समूह है, क्या है, दो लुईस संरचनाओं का एक समूह है जो सामूहिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक बंध का वर्णन करती है, जो सामूहिक रूप से क्या करती है, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का वर्णन करती है, जिनमें अधिकांश बंधन और अधिकांश शुल्क शामिल हैं। अनुनाद संरचनाएं डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉनों का वर्णन करने में सक्षम हैं, डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉनों का वर्णन करने में सक्षम है, जैसे कि मैंने बताया था कि ए रीजन ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वर्णन क्या होगा, अनुनाद की संरचनाएं जो होती हैं वो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन का वर्णन करने में सक्षम होती हैं, जिन्हें एक लुईस सूत्र द्वारा संयोजक बंध की पूर्ण संरचना के साथ व्यक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो रिजोनेंस स्ट्रक्चर आपके समझ में आ गया होगा। दो चीज़ें मैंने इस चैप्टर में कंप्लीट कर दी है आपकी, रिजोनेंस क्या है, रिजोनेंस स्ट्रक्चर क्या है। हमने क्वेश्चन कितने सॉल्व किए हैं, अभी तक 3 प्रश्न सॉल्व किए हैं, और लगभग आपके 15-16 ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे। दूसरी चीज़, अगर आपका लिखित परीक्षा होता है तो आपका 2 अतिलघुत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे, और संभवतः लघुत्तरीय प्रश्न में भी रिजोनेंस स्ट्रक्चर पूछ लिया जाए। चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 भी। 15 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोलर मॉलिक्यूल, इनमें से कौन सा एक ध्रुवीय अणु है। तो पोलर मॉलिक्यूल की चर्चा हमने अगले क्लास में कर ली थी,
और आज भी थोड़ा सा हम पोलर मॉलिक्यूल आपको बताने का प्रयास करेंगे, बल्कि फिलहाल आप लोग इसका आंसर करने का प्रयास करिए। 15 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा, इनमें से पोलर मॉलिक्यूल की बात की गई है, तो पोलर मॉलिक्यूल इसमें SF4 होगा। क्या होगा? SF4 होगा। SF4 इज ए पोलर मॉलिक्यूल, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। अब इसको हम सॉल्व करते हैं कि किस प्रकार से ये पोलर मॉलिक्यूल आखिर में होता क्या है और किस प्रकार से हमें पता चल जाता है ये पोलर मॉलिक्यूल है या नॉन पोलर। चलिए अब हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को समझ लेते हैं कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड आखिर में होता क्या है और नॉन पोलर कोवेलेंट क्या होता है, क्योंकि इन दोनों से लगभग 10 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं और इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर है। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, देखो 2D सिमिलर एटम कम्बाइंड, जब दो डी सिमिलर एटम कम्बाइंड हों तब कहाँ क्या होता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेट होता है। दूसरा चीज, डिफरेंस इन दियर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो। तीसरी बात आपको क्या ध्यान रखना है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर स्लाइटली शिफ्टेड टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं वो स्लाइटली शिफ्टेड होंगे किसकी तरफ, जिनके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है। ठीक है, चौथी और इम्पॉर्टेंट बात जिससे आप पहचान लेंगे तुरंत कि ये पोलर है या नॉन पोलर है, इससे आपको पहचानने में क्या होगा, द एटम एकर्स माइनस चार्ज व्हाइल अदर एकर्स प्लस पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो आप समझ लेते हैं एग्जांपल, जैसे देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस चार्ज कंटेन करता है और क्लोरीन माइनस चार्ज कंटेन करती है, तो ये क्या है, ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड आपके समझ में आ गया। अब नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को समझ लेते हैं, तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, टू सिमिलर एटम कम्बाइंड, जहाँ पर दो सिमिलर एटम कम्बाइंड हों, यानी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जहाँ कम्बिनेशन इनके दोनों के पास प्लस चार्ज है, यानी सेम चार्ज हों, जिनके पास सेम चार्ज हों वो क्या होंगे, वो नॉन। दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा, नो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिमेंस इन मिडल ऑफ द बोथ एटम, यानी कि जो बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, वो एटम जो होंगे वो बीच में बचे होंगे, यानी कि अणु बचे रहेंगे मध्य में, जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो क्या करेंगे, सेंट्रल एटम के थ्रू बचे रहेंगे। तीसरी चीज, नो चार्ज अपीयर इन द एटम, एटम पर कोई भी चार्ज अपीयर नहीं होगा। दोनों में डिफरेंस क्या है एक बार समझ लेते हैं, ये क्या होगा, पोलर कोवेलेंट कब बनेगा, जब टू सिमिलर डी सिमिलर एटम कंबाइन हो, और नॉन पोलर कोवेलेंट कब बनेगा, जब टू सिमिलर एटम कंबाइन हो, डी सिमिलर और सिमिलर आपको ध्यान रखना है, डी सिमिलर में क्या होगा, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस रहेगा, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का डिफरेंस रहेगा, इनमें क्या होगा, इनमें सेम चार्जेस रहेंगे। ठीक है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं होगा, ये चार्ज कंटेन करेगा, ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या करेगा, नो चार्ज कंटेन करेगा, यानी कोई चार्ज कंटेन नहीं करेगा। ठीक है, तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड से आप लोग सर्टिफाइड हो गए होंगे। चलिए अब इसी पर प्रश्न सॉल्व करते हैं, अब शायद आप लोग ये प्रश्न सॉल्व कर ले जाएंगे। 16 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे, पूछा गया है द पोलर मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग, इनमें से पोलर मॉलिक्यूल यानी ध्रुवीय अणु क्या है, निम्नलिखित में से ध्रुवीय अणु आपको बताना है। चलिए ऑप्शन नंबर ए है CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात अगर की जाए तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिए, यहाँ पर कार्बन है और Cl4 अणु, यहाँ पर कोई नेगेटिविटी में कोई अंतर नहीं आ रहा है। दूसरी चीज़, यहाँ पर हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या ऐसी कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, यानी कि इनका ऑप्शन जो है ये ऑप्शन नंबर एक गलत हो जाएगा, यानी ये क्या है, नॉन पोलर है। दूसरी बात, बी नंबर CO2 को ध्यान देते हैं, तो O2 पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, यानी ऑक्सीजन पे, तो ये भी
नहीं होगा। तीसरी बात ध्यान रखें, अगर सी ऑप्शन को चेक किया जाए तो CH2 और Cl2 की बात की जाए तो ये क्या करेगा, इनमें फोर यानी कि चार इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होंगे, यानी चार रिपल्टिव इलेक्ट्रॉन अराउंड द कार्बन एटम से घिरे हुए हैं इस प्रकार से, और इनकी नेगेटिविटी में भी डिफरेंस है। देखिए CH2 Cl2 प्लस और नेगेटिव, प्लस और माइनस चार्ज, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होंगे, ये पोलर मॉलिक्यूल होंगे। ऑप्शन नंबर सी 16 नंबर का सही हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो CH2Cl2, ठीक है, CH2Cl2 इज ए पोलर मॉलिक्यूल। अगर आपसे पूछा जाए कि CH2Cl2 क्या है, तो CH2Cl2 एक पोलर मॉलिक्यूल है, द मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल। क्या है ये मॉलिक्यूल, टेट्राहेड्रल है, CH2Cl2 टेट्राहेड्रल है। दूसरी बात, ये सिमेट्रिकल भी है, ठीक है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, टेट्राहेड्रल ड्यू टू फोर रिपल्सन अराउंड द सेंट्रल आइटम, सेंट्रल कार्बन आइटम के चारों तरफ, यानी चार इलेक्ट्रॉन रिपल्सन यानी रिपल्टिव जो इलेक्ट्रॉन हैं वो सेंट्रल आइटम के थ्रू जुड़े हुए हैं, ठीक है। इनका जो अरेंजमेंट है वो कार्बन एटम के द्वारा CH2Cl2 के सिमेट्रिकल और पोलराइज्ड ऑफ CHCl2। देखिए इसमें CH, देखिए C सिंगल बॉन्ड H, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव भी डिफरेंस है। इस प्रकार से ये क्या हो जाएंगे, CH2Cl2 ये पोलर मॉलिक्यूल हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि इनमें कोई भी पोलर को बॉन्ड जो होंगे वो कैंसिल नहीं होंगे, उनमें कोई भी बॉन्ड जो होंगे, जो बॉन्ड पेयर होगा वो कैंसिल नहीं होगा, और इस प्रकार से ये क्या कहलाएंगे, पोलर मॉलिक्यूल कहलाएंगे। इसको आप लोग रीड करिएगा अच्छे से। इस PPT में केवल हम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही नहीं सॉल्व कर रहे बल्कि रिटर्न बेस पर भी आपकी तैयारी करा रहे हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना है और अपनी तैयारी करना है। चलिए क्लास आपको समझ में आ रही हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। मित्रों थोड़ा सा कोऑपरेट करने का प्रयास करिए, आप ही लोग कोऑपरेट करेंगे तो थोड़ा सा क्लास में भी मज़ा आएगा और आप लोग बराबर वीडियो को लाइव देखिए। देखिए जब भी आपका क्लास का टाइमिंग है रोज़ रात 8 बजे, इसमें थोड़ा सा हेल्थ इश्यू के कारण आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब आपकी क्लास जो है टाइम पर होगी, ठीक है। तो आप लोग लाइव आना ना भूलिए रोज़ रात 8 बजे, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री BSc फर्स्ट ईयर के लिए। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाई पोलराइजिंग पावर। तो इसमें पोलराइजिंग पावर पूछा गया है, ठीक है। इनमें बताना है कि निम्नलिखित में से किसकी उच्च ध्रुवीकरण शक्ति है, ध्रुवीकरण शक्ति आपको बताना है कि इनमें से किसकी उच्च ध्रुवीकरण शक्ति होगी। चलिए आपको बताना है, ऑप्शन ए दिया गया है Mg2+, बी है Al3+, सी दिया गया है Na+ और डी दिया गया है Ca+। इन चारों ऑप्शन में से चूज करके बताना है कि हाई पोलराइजिंग पावर, ध्रुवीकरण शक्ति। थोड़ा सा इसको सॉल्व करने से पहले हम ध्रुवीकरण शक्ति यानी पोलराइजिंग पावर को ही समझ लेते हैं कि आखिर में पोलराइजिंग पावर होता क्या है, पोलराइजिंग पावर होता क्या है। चलिए पोलराइजिंग पावर क्या होता है, तो व्हेन ए कैटायन इज एबल टू डिस्टॉर्ट एन एनायन देन इट इज नोन एज पोलराइजिंग पावर। यानी कि जब एक धनायन व एक ऋणायन एक दूसरे के समीप आते हैं तो धनायनों और ऋणायनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का अपभ्रंश होता है, अपभ्रंश मतलब क्या होता है, देखिए कोई एक पत्थर है और अगर इसमें दरार पड़ जाए और, ठीक है, और ये जो दरार जो पड़ रही है ना, इनमें जो छोटे छोटे अणु होंगे, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल होंगे, उन्हीं को कहा जाता है अपभ्रंश होकर टूट जाना, भ्रंश पर्वत या अपभ्रंश पर्वत। आप फिजिक्स से आप हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा भी जियोग्राफी के बारे में जानने का प्रयास करिए, ठीक है। तो अपभ्रंश आपके समझ में आ गया, ठीक है। तो क्या होगा, उन्हीं के अपभ्रंश से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो धनायन और ऋणायन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे, ठीक है। और जब वो आकर्षित करेंगे तो उनमें एक वैद्युत आकर्षण बल उत्पन्न होगा, जो उस समय
कार्यरत बल होगा, ठीक है। इसी बल को हम क्या कहते हैं, ध्रुवण शक्ति कहते हैं, इसी बल को हम ध्रुवण शक्ति कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज ध्यान रखना है आपको, द सिमिलर इज द साइज ऑफ ए कटायन, द मोर बेटर इट कैन होल्ड द प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस, ठीक है। एज ए रिजल्ट द अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर रिजल्ट की बात की जाए तो ये क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे किस पर, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन पर, विल बी स्ट्रांगली, यानी स्ट्रांगली, हेंस दे आर द सिंकिंग इन साइज, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई, इंग्लिश में आप लोग इसका तैयार कर लीजिएगा। पोलराइजिंग पावर, व्हेन ए कैटायन इज एबल, व्हेन ए, जब एक कैटायन इज एबल टू डिसॉर्ट एन एनायन, डिसॉर्ट एन एनायन, देन इट इज नोन एन पोलराइजिंग पावर, ठीक है। तो पोलराइजिंग पावर आप लोग समझ गए, थोड़ा सा हिंदी में ध्रुवण शक्ति को हम पूरा विस्तृत में समझ लेते हैं, ठीक है। जब एक धनायन व एक ऋणायन एक दूसरे के समीप आते हैं तो क्या होता है, धनायन और ऋणायनों के अपभ्रंश को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, उनमें एक स्थित वैद्युत आकर्षण बल उत्पन्न होता है जब उनमें अपभ्रंश होता है, किसमें, जब एक धनायन और ऋणायन के बीच में इलेक्ट्रॉनों का अपभ्रंश होता है तो उनमें क्या होता है, एक वैद्युत आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, और वो क्या करता है, उसी समय वो कार्यरत बल होता है। तो जो धनायन व ऋणायन के नाभिक में उस समय प्रतिकर्षण बल, उनके मध्य में जो प्रतिकर्षण बल होगा और उन दोनों बलों को संयुक्त प्रभावित करेगा, जो उनके बीच में नाभिक, धनायन और ऋणायन के नाभिक के मध्य, यानी नाभिक के मध्य में जो प्रतिकर्षण बल होगा वो क्या करेगा, वो दोनों बलों के संयुक्त प्रभाव पड़ता है, यानी दोनों बलों पर क्या करेगा, संयुक्त प्रभाव देगा, ठीक है। कि ऋणायन वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो अपभरण समित ना रहकर विकृत हो जाए, यानी अलग अलग हो जाए, और इसी धनायन द्वारा इस प्रक्रिया को अलग करने या उनको दूसरे भागों में बांटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वो पोलराइजिंग पावर कहलाती है, ध्रुवण शक्ति कहलाती है। ध्रुवण शक्ति आपको समझ में आ गया, थोड़ा सा हम इसका क्रम बता दें। ध्रुवण शक्ति देखिए, अकॉर्डिंग टू फजन्स रूल, हाइगर चार्ज ऑफ एन कैटायन मोर इज इट्स पोलराइजिंग पावर। देखिए फजन्स रूल के अनुसार जिसकी, जिनका चार्ज होगा, हाइगर चार्ज होगा ऑन द कैटायन, जिस कैटायन का हाइगर चार्ज होगा या अधिक चार्ज होगा वो मोर, यानी उसकी अधिक पोलराइजिंग पावर उसी की होगी। द नेक्स्ट फैक्टर विच इज द कंसीडर्ड द साइज ऑफ कैटायंस, यानी कि दूसरा चीज आपको ध्यान रखना है कि उनकी साइज की अपेक्षा भी उनके जो है रूल पर प्रभाव पड़ता है। दूसरी चीज सिमिलर द साइज ऑफ कैटायन, उनके वो साइज, यानी कि सिमिलर द साइज ऑफ कैटायन हाइगर इज पोलराइजिंग पावर, हेंस द ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर इज, ऑर्डर की बात की जाए तो सी एस प्लस इज ग्रेटर देन के इज ग्रेटर देन एम जी इज ग्रेटर देन एल ए एल थ्री, यानी कि सबसे बड़ा इसमें क्या है, सबसे अधिक Al3 प्लस की पोलराइजिंग पावर है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा ये सारी चीज़। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 17 में, क्या पूछा गया है, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाई पोलराइजिंग पावर। तो अभी मैंने इनका क्रम बता दिया है आपको, आंसर करेंगे आप लोग। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Al3 प्लस की सबसे अधिक पोलराइजिंग पावर होगी। चलिए इसका क्रम आप लोग ध्यान रखिएगा, नीचे इसका क्रम दिया गया है पीपीटी में, आपको क्लास के बाद पीडीएफ मिल जाएगा, आप पीडीएफ बड़े आराम से रीड करिए और प्रश्नों को सॉल्व करिए। चलिए 18 नंबर प्रश्न बताएंगे आप लोग, इसमें आपको बताना है कि हैलाइड आयनों की ध्रुवण क्रम बताइए, हैलाइड आयन जो हैं उनका ध्रुवण क्रम क्या है, यानी पोलराइजेबिलिटी ऑफ हैलाइड आयन इंक्रीजिंग इन ऑर्डर, बढ़ते क्रम में इनका ऑर्डर आपको बताना है हैलाइड आयन का। चलिए आंसर करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 18, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। इसका क्रम आप लोग ध्यान रखिएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसका क्रम क्या होगा, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो तो क्या होगा, सबसे पहले आयोडीन, ब्रोमीन,
क्लोरीन और फिर फ्लोरीन, ठीक है। तो इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में कहा गया है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। थोड़ा सा हम पोलराइजबिलिटी के बारे में जान लेते हैं, पोलराइजबिलिटी क्या है और किस प्रकार से ये सर्टिफाइड करती है इस आंसर को, ठीक है। तो पोलराइजबिलिटी ऑफ ए हैलाइड आयन इंक्रीजिंग इन द ऑर्डर, इंक्रीजिंग इन द ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या है, फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन, तो इसका क्रम आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, पोलराइजबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन, यानी पोलराइजबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, साइज ऑफ एनायन की। दूसरी चीज, लार्जर इज द साइज ऑफ एनायन और लार्जर इज द पोलराइजबिलिटी एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये कंप्लीट कर लीजिएगा आप, इसका आंसर सर्टिफाइड हो जाता है। देखिए मैं ऑब्जेक्टिव कराने के बाद तुरंत इसका एग्जांपल या एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ ताकि आप लोग के समझ में आंसर आ जाए कि आखिर में आंसर किस प्रकार से इसका सही है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए तो अगले थोड़ा सा हिंदी में समझ लेते हैं, हिंदी में क्या है, तो हिंदी में समझने का प्रयास करते हैं। हैलाइड आयन की ध्रुवण क्षमता का क्रम में बढ़ जाती है, यानी हैलाइड आयनों की ध्रुवीकरण क्षमता क्रम में बढ़ जाती है। तो क्रम इसका आप लोग को पता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। दूसरी बात, ध्रुवीयता सीधे आयनों के आकार के समानुपाती होती है, और ऋणायन का आकार, जो ऋणायन होगा उसका आकार जितना भी बड़ा होता है उतना ही ध्रुवीकरण बड़ा होता है। इसके विपरीत के प्रकार आयोडीन आयन का आकार अधिकतम होगा, इसलिए अधिकतम ध्रुवीकरण होता है, ठीक है। तो ध्रुवीकरण से आप लोग समझ गए होंगे, ध्रुवीकरण से सहमत हो गए होंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग तैयार कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। चलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, द ICL मॉलिक्यूल इज, ICL मॉलिक्यूल क्या होगा, तो ICL मॉलिक्यूल के बारे में आपको बताना है। थोड़ा सा ICL मॉलिक्यूल को हम समझ लेते हैं और फिर इस क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। चलिए ICL मॉलिक्यूल का पूरा नाम क्या होगा, तो ICL मॉलिक्यूल क्या है, इसका नाम है लोडीन मोनोक्लोराइड, क्या है, लोडीन मोनोक्लोराइड। ICL मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो इसका नाम जो होगा वो लोडीन आयोडीन नहीं होगा, लोडीन मोनोक्लोराइड, ठीक है। तो लोडीन मोनोक्लोराइड इज एन इंटरहाइलोजन कंपाउंड, क्या है, ये इंटरहाइलोजन कंपाउंड है विथ द फार्मूला ICL। लोडीन मोनोक्लोराइड, अगर देखिए कभी कभी ऑप्शन में दे दिया जाएगा लोडीन मोनोक्लोराइड का फार्मूला क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे इसका फार्मूला क्या होता है, ICL इसका फार्मूला होता है। तो लोडीन मोनोक्लोराइड इज एन इंटरहाइलोजन कंपाउंड विद द फार्मूला ICL, इट इज ए रेड ब्राउन केमिकल कंपाउंड, ये क्या है, ये रेड ब्राउन केमिकल कंपाउंड है। इट्स मेल्ट नियर द रूम टेम्परेचर, ठीक है, बिकॉज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ आयोडीन एंड क्लोरीन, इसलिए इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिफरेंस होती है किसकी अपेक्षा, आयोडीन और क्लोरीन की अपेक्षा। दिस मॉलिक्यूल इज हाइगर पोलर एंड बिहेव एज ए सोर्स ऑफ आई प्लस आयन। तो इतनी चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है कि इसके पास जो सोर्स होगा वो आई प्लस आयन का होगा, इसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, ICL होगा, और इसका पूरा नाम क्या होगा, लोडीन मोनोक्लोराइड, ठीक है। तो आप लोग ये सब तैयार कर लीजिएगा। दूसरी बात देखिए, रिलेटेड टू इंटरहाइलोजन कंपाउंड, तो अगर इंटरहाइलोजन कंपाउंड की बात की जाए तो क्लोरीन की बात की जाएगी और आयोडीन की बात की जाएगी। MES मतलब क्या होगा, इसका जो अणुसूत्र होगा, अणुसूत्र इसका क्या होगा, MESH होगा, तो इसका फार्मूला क्या होगा, लोडीन मोनोक्लोराइड होगा। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए लोडीन मोनोक्लोराइड की, तो क्या होगी, 27 डिग्री सेंटीग्रेड होगी। और ये कैसा कंपाउंड है, ये रेड ब्राउन कंपाउंड है, ये क्या है, रेड ब्राउन कंपाउंड। देखिए इसमें हमें समझना क्या है, इसमें समझना है कि जो ICL मॉलिक्यूल हैं वो क्या हैं, थोड़ा सा, वो एक समनाभिकीय द्विपरमाणिक अणु हैं
जिनमें संयोजित इलेक्ट्रॉनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, वो समान है, अतः ये अधिक अस्थाई हैं। ये क्या है, आईसीएल मॉलिक्यूल जो हैं वो अधिक अस्थाई हैं और कम क्रियाशील है, परंतु आईसीएल में आई तथा सीएल का आकार भिन्न है। सीएल का आकार क्या है, वो भिन्न भिन्न है, जिसके कारण इनके मध्य उपस्थित बंध जो होंगे वो क्या होंगे, वो ध्रुवित होंगे यानी कि पोलर होंगे। इनके मध्य जो इनके बीच में जो बंध उपस्थित होंगे वो क्या होंगे, वो पोलर होंगे, ठीक है, यानी पोलर बॉन्ड होंगे, ठीक है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि पोलर के साथ साथ ये क्रियाशील भी होते हैं, किसमें, जब इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफ्रेंस पाया जाएगा तब, और अगर इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी समान है तो आप लोग को ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नेगेटिविटी समान तब होगी जब ये आईसीएल मॉलिक्यूल पूछा जाए कि आईसीएल मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आखिर में क्या होती है। तो आईसीएल मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है वो क्या होती है, समान होती है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आईसीएल मॉलिक्यूल अधिक अस्थाई होते हैं और कम क्रियाशील होते हैं, दो चीज़ आप इसको ध्यान रखिएगा। तीसरी बात आपको ध्यान रखना है कि इनके मध्य जो आईसीएल में जो आयोडीन और क्लोरीन है वो उनका आकार जो होगा वो क्या होगा, वो डिफरेंस होगा यानी भिन्न भिन्न होगा, जिसके कारण इनके मध्य उपस्थित बंध जो होंगे वो ध्रुवित होंगे यानी क्या होंगे, पोलर होंगे और क्रियाशील होंगे यानी एक्टिव होंगे। दो चीज़, इतनी सारी चीज़ें बात आप समझ में आ गई। चलिए दूसरी बात, इसलिए अंतर हाइलोजन यौगिक यानी आईसीएल क्या होंगे, अधिक क्रियाशील होंगे। अगर हम ब्रोमीन की बात की जाए तो ब्रोमाइड या ब्रोमीन में जो समय बचने का तकनीक हाइलोजन के इस प्रश्न में, अगर ध्रुवता को देखा जाए तो जो ब्रोमीन है इसकी ध्रुवता में पोलर कोवेलेंट बांड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी द्वि प्रमाणिक अणु नहीं पाए जाएंगे, इनमें द्वि परमाणु अणु नहीं पाए जाएंगे, ठीक है, और इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है यानी भिन्न भिन्न परमाणुओं के होने पर वो आकार में भिन्नता होने के कारण ध्रुवणता उत्पन्न होती है तथा क्रियाशील बढ़ जाती है। तो आप लोग समझ गए होंगे आईसीएल मॉलिक्यूल में, एक बार थोड़ा सा दोहराने का प्रयास करूंगा कि आईसीएल मॉलिक्यूल क्या है, समनाभिकीय द्वि परमाणु अणु हैं, इनकी जो संयोजित अणुओं की विद्युत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, वो समान है। तीसरी बात, ये अधिक अस्थाई होते हैं और कम क्रियाशील होते हैं। चौथी बात आपको ध्यान रखनी है कि आईसीएल में आई और सीएल का आकार भिन्न भिन्न है, जिसके कारण इनमें उपस्थित जो उपस्थित बंध होंगे वो क्या होंगे, पोलर होंगे और ये अधिक क्रियाशील होंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अंतर हैलोजन यौगिक में आईसीएल मॉलिक्यूल जो होगा वो अधिक क्रियाशील होगा। तो मुझे लगता है कि आईसीएल यानी कि लोडीन मोनोक्लोराइड आपके समझ में आ गया होगा। अब आप लोग आंसर कर दीजिए इसका, चलिए बता दीजिए। 19 नंबर, द आईसीएल मॉलिक्यूल इज, तो आईसीएल मॉलिक्यूल क्या होगा, 19 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पोलर विथ नेगेटिव एंड ऑफ क्लोरीन, पोलर विथ नेगेटिव एंड ऑन क्लोरीन, ठीक है, यानी कि इसके लास्ट में नेगेटिव एंड होगा और क्लोरीन पर आपको पता नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 19 का। चलिए ध्यान देते हैं अगले प्रश्न को, 20 नंबर प्रश्न आप ध्यान देंगे, पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज जीरो डाइपोल मोमेंट, यानी कि निम्नलिखित में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा। तो डाइपोल मोमेंट मैंने अगली क्लास में बता दिया था आपको, और फिर भी इस वीडियो में बताने का प्रयास द्विध्रुव आघूर्ण जरूर करूंगा। तो आप लोग आंसर कर दीजिए फटाफट, 20 नंबर का क्या हो जाएगा, चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी SiF4 का डाइपोल मोमेंट जो हैगा वो क्या हो जाएगा, शून्य। अब बात करते हैं कि डाइपोल मोमेंट आखिर क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, जब एक संयोजक बंध दो असमान परमाणुओं के मध्य होता है, यानी कि जब एक कोवेलेंट बंध हो वो क्या होगा, दो असमान परमाणु हो उनके मध्य बनता हो, उनके इलेक्ट्रॉन युग्म का बंटवारा दोनों परमाणुओं के मध्य बिल्कुल समान न होकर असमान होता हो, और इलेक्ट्रॉन घनत्व उस परमाणु की
और अधिक हो जाते हों, जो अधिक विद्युत ऋणात्मक होगा। इसके यानी इस प्रकार साझे के इलेक्ट्रॉन के युग में, जो साझे के इलेक्ट्रॉन युग में होंगे वो क्या होंगे, वो असमान होंगे, और जो साझे से बने बंध होंगे वो पोलर अथवा ध्रुवीय संयोजक बंध कहलाते हैं। और यही प्रक्रिया डाइपोल मोमेंट में क्या होती है, यही प्रक्रिया डाइपोल मोमेंट में होती है। तो आप लोग डाइपोल मोमेंट से सहमत हो गए होंगे, अगली क्लास में हमने डाइपोल मोमेंट समझा दिया था। चलिए ये आपके लिए मैंने दे दिया ताकि आप इस पीपीटी में भी इसको ध्यान रखें। देखिए जब आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो यहाँ से लगभग आपके 4 से 5 प्रश्न बनते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इन्हीं में से बनाया जाता है। 21 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट डाइपोल मोमेंट, यानी इनमें से निम्नलिखित में से किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा वो सबसे कम होगा। तो द्विध्रुव आघूर्ण की सबसे कम आपको बताना है, देखिए PH3 CH3 NH3, इसमें CHCl3, इसके बाद में NH3, इसके बाद में PH3, सबसे कम जो होगा वो BF3 का होगा। किसका होगा, BF3 का होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, 22 नंबर प्रश्न पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको हम थोड़ा सा विस्तृत में जानने का प्रयास करेंगे। देखो पूछा गया है पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ एलिमेंट आर यूजफुल इन प्रिडिक्टिंग, यानी कि तत्वों के लिए पॉलिंग के, यानी तत्व के लिए पॉलिंग के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मूल्य का उपयोग, यानी कि उपयोग क्या चीज़ बताने में होता है। आपको बताना है कि पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू फॉर एलिमेंट आर यूजफुल इन प्रिडिक्टिंग। चलिए इसका आंसर करने का प्रयास करेंगे 22 नंबर प्रश्न का। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पोलराइटी ऑफ बॉन्ड इन मॉलिक्यूल, द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं, 24 नंबर प्रश्न पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल शो डाइपोल मोमेंट, यानी इनमें से कौन से मॉलिक्यूल जो होंगे वो क्या करेंगे, वो डाइपोल मोमेंट शो करेंगे। डाइपोल मोमेंट आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अणु होगा वो द्विध्रुवीय छड़ दिखाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जो है वो डाइपोल मोमेंट शो करेगा। थोड़ा सा हम इसके बारे में एनालिसिस कर लेते हैं कि किस प्रकार से क्लोरोफॉर्म डाइपोल मोमेंट शो करता है। चलिए क्लोरोफॉर्म जो होगा वो ट्राइक्लोरोमेथेन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CHCl3 होता है। यह एक रंगहीन और सुगंधित तरल पदार्थ होता है जिसे चिकित्सा क्षेत्र में रोगी के शल्य क्रिया में किए जाने के कार्य के लिए मूर्छित करने के रूप में, यानी निश्चेतक के रूप में किया जाता था। ठीक है, दूसरी बात, क्लोरोफॉर्म हैज 3 chlorine atom एंड 1 hydrogen atom अटैच्ड टू द कार्बन, सो इट इज पोलराइज्ड एंड शो डाइपोल मोमेंट। ये डाइपोल मोमेंट क्यों शो करता है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म जो होगा वो 3 chlorine परमाणु और 1 hydrogen परमाणु कार्बन से जुड़ा होता है, इसलिए यह ध्रुवीकृत होता है। अतः और यह क्या करता है, डाइपोल मोमेंट शो करता है। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म से आप लोग सम्मिलित हो गए होंगे, इसका एक्सप्लेनेशन हमने दे दिया है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है, आज की क्लास के बारे में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए 25 नंबर प्रश्न सॉल्व करते हैं, 25 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि जीरो डाइपोल मोमेंट इज प्रेजेंट इन, यानी जीरो डाइपोल मोमेंट शून्य द्विध्रुव आघूर्ण उपस्थित होता है। 25 नंबर का आंसर करने का प्रयास करेंगे, शून्य द्विध्रुव आघूर्ण। चलिए इसका आंसर करेंगे आप लोग, जल्दी से आंसर करिए। 25 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रांस 1,2-dichloroethane जो होगा वो क्या करेगा, वो जीरो डाइपोल मोमेंट शो करेगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न है नॉन पोलर सॉल्वेंट, आपको बताना है कि गैर ध्रुवीय विलायक होते कौन हैं। तो गैर ध्रुवीय अणु क्या होते हैं, गैर ध्रुवीय विलायक क्या होते हैं। तो गैर ध्रुवीय सॉल्वेंट जो होंगे वो क्या होंगे, 26 नंबर प्रश्न का आंसर करने का प्रयास करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होगा वो क्या करेगा,
वो गैर ध्रुवीय विलायक हैं, यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड हैं। थोड़ा सा नॉन पोलर सॉल्वेंट के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि नॉन पोलर सॉल्वेंट आखिर में होते क्या हैं। चलिए अब थोड़ा सा हम नॉन पोलर सॉल्वेंट के बारे में जान लेते हैं कि आखिर में गैर ध्रुवीय विलायक क्या होते हैं। तो गैर ध्रुवीय विलायक के बारे में बात करते हैं। देखिए नॉन सॉलर जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो इंक्लूड एल्केन, पेंटेन, हेक्सेन एंड हेप्टेन और एरोमेटिक बेंजीन, टालुइन एंड एक्सलेन। जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होंगे वो एल्केन को कंटेन करेंगे, हेक्सेन को कंटेन करेंगे, हेप्टेन को कंटेन करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये एरोमेटिक सिटी को यानी बेंजीन टालुइन को भी कंटेन करते हैं। यानी कि अदर कॉमन नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होंगे, वो इंक्लूड एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड मतलब कि CH3COOH और क्लोरोफॉर्म, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल एसीटेट, मेथालिन, क्लोरीन और पिरिडीन। नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात जब की जाए तो आप लोग ध्यान रखेंगे इनमें एरोमेटिक सिटी भी कंटेन होती है, जिनमें एल्केन, पेंटेन, हेक्सेन, बेंजीन, टालुइन और एक्सलेन, क्लोरोफॉर्म, डाई एथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर और मेथेन और पिराडीन, ये सब कंटेन होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में। ठीक है, तो एक गैर ध्रुवीय अणु होता है जिनमें चार्ज को अलग नहीं किया जा सकता, जिनके चार्ज को अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए सकारात्मक और नकारात्मक यानी नेगेटिव और पॉजिटिव ध्रुव नहीं बनते हैं। दूसरे शब्दों में अगर बात किया जाए तो गैर ध्रुवीय अणुओं के विद्युत प्रभार सामान्य रूप से अणु में वितरित होते हैं। गैर ध्रुवीय अणु और गैर ध्रुवीय सॉल्वेंट में अच्छी तरह से मिलते हैं, किसके कारण, क्योंकि उनमें जो होते हैं वो चार्जेस अलग नहीं हो सकते हैं। अक्सर कार्बनिक सॉल्वेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, कार्बनिक सॉल्वेंट होते हैं, जिसके विपरीत एक ध्रुवीय अणु होता है जो क्या करता है, एक सकारात्मक चार्ज को क्या करता है, दूसरी तरफ नकारात्मक विद्युत चार्ज में कंटेन कर देता है, यानी डेवलप कर देता है, यानी चेंज कर देता है। ठीक है, तो दो बात आपको ध्यान, पहली बात तो ये, दूसरी और तीसरी बात अब थोड़ा सा हम समझते हैं एग्जाम्पल नॉन पोलर सॉल्वेंट के एग्जाम्पल क्या होंगे, एग्जाम्पल को ध्यान रखेंगे। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट जो होंगे वो मॉलिक्यूल जो होंगे वो O2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, ये सब क्या हैं, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं। तो आप लोग एग्जाम्पल को ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। 27 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि व्हेन टू आइस क्यूब आर प्रेसड, यानी कि व्हेन टू आइस क्यूब आर प्रेसड ओवर ईच अदर दे यूनिटी टू फॉर्म वन क्यूब विच of the following force as responsible are holding them together, यानी कि जब दो बर्फ के घनों को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो वो मिलकर एक घन बनाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बल उन्हें एक साथ रखने पर जिम्मेदार होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है 27 नंबर का। चलिए इसका आंसर आप लोग करेंगे, 27 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग करेंगे। तो इसमें जो घन मिलकर, यानी कि जब दो बर्फ होंगे, जब दो बर्फ के घन को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है और वो मिलकर एक घन का निर्माण करते हैं, तो जो उनमें बल जो उन्हें परस्पर बनाए रखते हैं उसका जिम्मेदार कौन है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन है। हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन ही इनको परस्पर बनाए रखता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 27 नंबर का। 27 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द राइट आंसर। चलते हैं थोड़ा सा अगला, इसके बारे में एनालिसिस कर लेते हैं कि आखिर में इसका एग्जाम्पल हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो एग्जाम्पल आपको बताए थे, देखिए एग्जाम्पल की बात किया जाए, हाइड्रोजन बंध, यानी हाइड्रोजन बंध तब बनता है जब एक अणु का धनात्मक सिरा दूसरे अणु के ऋणात्मक सिरे की ओर आकर्षित होता है। ठीक है,
तब हाइड्रोजन बंड का फॉर्मेशन होता है। तो अवधारणा की बात की जाए, अगर चुंबकीय जो चुंबकीय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसका आकर्षण जो होगा वो समान होगा, अगर उनकी विपरीत स्थिति के ध्रुव में आकर्षित हो जाए, अगर उनका क्या होगा जो डायरेक्शन है वो विपरीत हो जाए तो वो क्या बनेगा, एक ध्रुव बन जाएगा, यानी एक पोलर कोवेलेंट की तरह वो समान बनेगा। ठीक है, तब क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। दूसरी चीज, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन होता है। यह हाइड्रोजन की विद्युत रूप से धनात्मक परमाणु बनता है क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। हाइड्रोजन बंड में क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो हाइड्रोजन बंड थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। हम लोग चलते हैं प्रश्न को सॉल्व करते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, कैसे क्या होते हैं, उनको भी हम अगली टॉपिक में समझेंगे। 28 नंबर प्रश्न सॉल्व करते हैं। पूछा गया है, सेलेक्ट द कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग विच डिसॉल्विंग इन वाटर। निम्नलिखित में से उस यौगिक का चयन कीजिए जो जल में घुल जाता है। तो जल में घुलनशील क्या है, जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे, यह आप सभी को पता होना चाहिए 28 नंबर प्रश्न का आंसर। तो जल में घुलनशील एथिल एल्कोहल है, यानी C2H5OH राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मित्रों, अब आपकी क्लास रोज़ अपने टाइम पर होगी तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा निश्चिंत रहिए, कुछ नेटवर्क की वजह से और कुछ हेल्थ इशू के कारण आप लोग की क्लास नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब क्लास आपकी टाइम पर होगी। चलिए 29 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 29 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि द रीज़न फॉर एक्सपेरिमेंटली एक्सेप्टली हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी कि पानी के अवधारणा का उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है। तो आपको बताना है 29 नंबर प्रश्न का आंसर। 29 नंबर प्रश्न का आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर, 29 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और ये सही क्यों हो जाएगा, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि आखिर में इसका कारण क्या है, कि पानी का जो उच्च क्वथनांक है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण होता है। आप लोग को याद रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण जो पानी का हाई बॉइलिंग पॉइंट किसके कारण होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण होता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर एक्सेप्टनली हाई बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटर मॉलिक्यूलर अंतराणविक हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि पानी में जो उच्च क्वथनांक क्यों होता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। 30 नंबर प्रश्न पूछा गया है, विच कॉन्सेप्ट इज द बेस्ट एक्सप्लेन द ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज मोर वोल्टिक देन पैरानाइट्रोफिनोल। यानी कौन सी अवधारणा सबसे अच्छी तरह से बताती है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल की तुलना में अधिक अस्थाई है, वह कौन सी अवधारणा है जो बताती है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल जो है वो पैरानाइट्रोफिनोल की तुलना में अधिक स्थिर है। तो इसका जो होगा ये बताने का काम कौन करेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगी, यानी ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड बताएगा कि अधिक अस्थाई, ये हाइड्रोजन बॉन्ड की अवधारणा ही बताएगी कि ऑर्थोनाइट्रोफिनाल जो है वो पैरानाइट्रोफिनाल की तुलना में अधिक स्थिर है। चलिए हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, अंतराणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन पैरानाइट्रोफिनॉल में अंतराणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए पैरानाइट्रोफिनॉल का क्वथनांक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से अधिक होता है। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ गई। चलिए ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हैज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बट पैरानाइट्रोफिनॉल हैज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, सो बॉन्डिंग पॉइंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। इतनी चीज समझ में आ गई, ये दोनों चीज़ें। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, आगे हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करते हैं। पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्ड, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करिए, 21 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन H2O ही कर सकता है, यानी पानी ही कर सकता है।
इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड को हम थोड़ा सा विस्तृत में जानने का प्रयास करेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड आखिर में होता क्या है। चलिए आप लोग को दिख रहा है क्लियर, पीपीटी में क्लियर आ रहा है? ठीक है, एक बार लाइक करके बता दीजिए, थम्स अप कर दीजिए एक बार सब लोग। चलिए हाइड्रोजन बॉन्ड को समझते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में सर्वप्रथम हमने लेमिटर और रोजबुर्न ने बताया था कि ध्रुवीय अणुओं जिनमें हाइड्रोजन के साथ अधिक विद्युत ऋणी तत्व यानी नाइट्रोजन ऑक्सीजन या फ्लोरोन या फ्लोरीन से जुड़े होते हैं तो बंध में क्या आती है? ध्रुवता आती है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ध्यान रखना है कि ध्रुवीय अणु में यानी कि ध्रुवीय अणु में एक अणु का आंशिक धनावेशित हाइड्रोजन परमाणु दूसरे अणु के आंशिक ऋणावेशित परमाणु को स्थिर वैद्युत बल द्वारा आकर्षित करता है। इसके आकर्षण बल को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखने का। चलिए थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में आते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रकार समझते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड के हैं वो प्रकार कितने हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला होता है अंतराणविक इंटर एटॉमिक या इंटर एटॉमिक। ठीक है, अंतराणविक इंटर एटॉमिक। तो ये अंतराणविक क्या है? अंतराणविक हाइड्रोजन बॉन्ड दो या दो से अधिक अणुओं के मध्य होते हैं जो समान या असमान पदार्थ हो सकते हैं। दूसरी बात, हाइड्रोजन फ्लोराइड अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध होता है। तीसरी चीज, एल्कोहल एवं जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध होता है। ठीक है, तो अंतराणविक हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में आप लोग समझ गए। चलिए अब दूसरा बॉन्ड बात करते हैं। दूसरा क्या है? अंतराणविक यानी इंटर एटॉमिक। दूसरा क्या है? इंटर एटॉमिक। तो हाइड्रोजन बंध का क्लेशन इस प्रकार के, देखिए इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं क्योंकि पूरी स्क्रीन पर आ जाए ताकि आप लोग के समझ में आए। चलिए, अंतराणविक हाइड्रोजन बंध दो प्रकार के होते थे, तो दूसरा है अंतराणविक इंटर एटॉमिक। तो इंटर एटॉमिक क्या है? इंटर एटॉमिक हाइड्रोजन बंध जो होंगे इस प्रकार के हाइड्रोजन बंधता में क्लेशन कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? क्लेशन कहा जाता है। या एक ही अणु दो परमाणु के मध्य होते हैं। एक ही अणु होंगे लेकिन वो दो परमाणु के मध्य होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अंतराणविक यानी इंटर एटॉमिक कहलाते हैं। या हाइड्रोजन परमाणु व उच्च विद्युत यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परमाणु यानी फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के मध्य एक ही अणु में होते हैं जिसके कारण अणु में चक्रता उत्पन्न होती है, उसके संगठन की क्षमता क्षीण हो जाती है। इसे हम अंतराणविक एटॉमिक कहते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में हमने विस्तृत जानकारी कर ली है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में आता है यानी कि अगर आपके 7 नंबर में आता है तो आप लोग भी ये प्रश्न कर लेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में मैंने बता दिया, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बता दिया, नॉन पोलर अनपोलर क्या है, किस प्रकार से आपको फाइंड करना है, ये सारी चीज़ें हमने बता दिया आज की वीडियो में। ठीक है दोस्तों, और आज की हमारी क्लास का समापन यहीं पर होगा। अगली क्लास में मिलेंगे हम लगभग 40 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ जिनमें आपको मिलेंगे 85+ क्वेश्चन। 40 क्वेश्चनों में 85 प्रश्न आपको किस प्रकार से मिलते हैं? आपको एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सारे प्रश्नों का जो विस्तृत जानकारी है वो दी जाती है। इसलिए आप लोग वीडियो को डेली देखिए और क्लास के टाइम पर, आप लाइव क्लास का समय आपको जानते ही हैं, रोज़ रात 8 बजे। ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।